अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। वेलकम बैक माय चैनल डेली रियाज ब्लॉग। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे गैर मुल्की जो भाइया है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बांग्लादेशी हो या इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या फिलिपिनी हो, जो भी हो, तो यहाँ पे जो भी काम करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइड में बेल आइकन होगा, उसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको जो भी मैं फर्स्ट वीडियो डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है यहाँ की जो साइबर क्राइम है, जो सऊदी साइबर क्राइम है उसकी अपडेट है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत ही सोशल मीडिया पे, बहुत ही व्हाट्सअप है, टिकटॉक है, जो भी है, फेसबुक है, कहीं पे भी फेक न्यूज़ बहुत आ रही है। तो इस फेक न्यूज़ के लिए एक्शन होगा अभी, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कोई फेक ह्यूमर फैले। ठीक है, आपकी वजह से या कोई भी जो वीडियो आती है उसको शेयर भी नहीं करिए आप। अगर उसको शेयर भी करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। जो गवर्नमेंट जो साइबर क्राइम है 24 घंटा अपना काम कर रही है, तो जितना भी मतलब बच सकते हो आप, अगर आपको वीडियो कोई आता है, जो वीडियो किस तरह का होता है, जैसा यहाँ के जो यहाँ पे सऊदी अरबिया का जो इस्लाम है, जो तरीका है, उन लोगों के खिलाफ या जो शाही ख़ानदान है यहाँ का उनके खिलाफ, जो अभी कोरोना की वजह से जो चल रहा है, जैसा कोई बोल दिया है इतना कुछ हो गया है, उतना कुछ हो गया है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी जो भी आता है तो आप उसके ऊपर आगे मत बढ़ाओ, ना उसके ऊपर कमेंट करो, ना उसको शेयर करो, ना उसको लाइक करो, आप उसको स्किप कर दो, आप उसको बाइकआउट कर दो। जो भी अगर कोई चैनल पे आता है या कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या कोई भी अगर फेसबुक पे आता है तो उसको आप ब्लॉक कर दो आप, क्योंकि आप चक्कर में उसमें आप फंस जाओगे, परेशानी में आप फंस जाओगे। क्योंकि ये जो भी जो ह्यूमर फैलाता है, जो भी करता है, ज़्यादातर सऊदी अरेबिया में बैठ के कोई नहीं करता है, क्योंकि लोगों को भी पता है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में अगर करोगे तो आपके घर तक, आप जहाँ पे बैठे हो वो रूम में तक, आप कहीं पे भी हो, सऊदी पुलिस पहुँच जाएगी। सऊदी क्राइम इतना फास्ट है यहाँ का, सऊदी साइबर क्राइम जो है बहुत फास्ट है, और अभी ये टाइम पर बहुत ही ज़्यादा 24 घंटे नज़र रख रहा है साइबर क्राइम, जितने भी फेक ह्यूमर जो फैलाएगा उन लोगों के ऊपर। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं, मैं तो बहुत सुन रहा हूँ, मैं तो बहुत देख रहा हूँ, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आप लोगों को भी पता होगा। तो कोई भी चीज़ मत फैलाइए, ठीक है, क्योंकि अब थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले भी एक आप न्यूज़ सुने होंगे, दमाम में एक जो काम करने वाला था वो भी हमारे प्रिंस के बारे में, जो सऊदी अरेबिया का प्रिंस है, उनके बारे में भी कुछ गलत बोल दिया था, तो उसको भी 1 घंटे के अंदर उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको सज़ा भी हो गई है। तो ठीक है, मैं उसके बारे में तो अभी बात नहीं करूँगा, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो प्लीज़ 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 दोस्तों, जो भी ह्यूमर होता है, जो भी फेक न्यूज़ आती है उसको शेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि आप परेशानी में आ जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग परेशानी में आओ, तो मैंने सोचा हूँ इसके लिए मैंने कहा भाई मेरे दोस्त लोग, मेरे जितने भी भाई है उन लोग परेशानी में नहीं आए, गैर मुल्की जो भी है, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो प्लीज़ आगे कोई भी वीडियो ऐसा आप लोग जो आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये चीज़ नहीं फैलाना है, ये चीज़ ये फेक है या गलत है, ये आप लोगों को तो उसका समझ में आ जाता होगा, तो आप प्लीज़ आगे मत शेयर करो उसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो में सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं कमेंट में उसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। दोस्तों वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वसलाम।